हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेट विजन। दिस इज साहिल मलिक, योर होस्ट एंड योर वेट। तो गाइस, कई बार क्या होता है, हमारे घर में बहुत सारे चूहे आ जाते हैं, तो उन चूहों को मारने के लिए हम क्या करते हैं, उनके मारने की दवाइयां ले आते हैं। जो जैसा कि आपने सुना ही होगा कि चूहे मारने की दवा हमारे यहाँ पे इजीली उपलब्ध हो जाती है, तो हम क्या होते हैं भाई, बड़े बड़े चाव चाव में जाके वो मेडिसिन वहाँ से ले आते हैं और हम क्या करते हैं, वहाँ पे रख देते हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे चूहे आते हों, और जैसे चूहे खाएंगे वो मर जाएंगे। लेकिन हमारे माइंड से एक थॉट बिल्कुल ये गायब ही हो जाता है कि यार, हमारे घर में पेट्स भी तो हैं, वो भी तो इस मेडिसिन को खा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी ही गलती होती है, हमारा जो डॉग है उस रैट को मारने के लिए जो दवाई है उसको वो खा लेता है। तो बेसिकली ये हमारे जो डॉग के अंदर रैट पॉइजनिंग करवा देती है। अब इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं एंटीकोएगुलेंट रोडेंटोसाइड पॉइजनिंग इन डॉग्स। तो बेसिकली ये एक टाइप की पॉइजनिंग होती है जो कि आपके डॉग की बॉडी के अंदर हो जाती है, क्या खाने की वजह से, जो मेडिसिन होती है जो आप चूहे को मारने के लिए जो दवा लेके आए हो, अगर आपका डॉग उसको खा ले तो आपके डॉग को ये पॉइजनिंग हो जाती है। तो बेसिकली गाइज, अगर मैं बात करता हूँ इस मेडिसिन की, इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल होते हैं, ये चूहे मारने की दवा के अंदर कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो कि एंटी कोएगुलेशन का काम करते हैं और चूहों को मार देते हैं। तो बेसिकली गाइज, इसके अंदर ऐसा होता है कि अगर आपका डॉग इसको खा ले तो आपके डॉग की बॉडी के अंदर भी एंटी कोएगुलेशन की प्रॉब्लम आएगी, यानी जो खून है वो जमना बंद हो जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ इसके सिम्टम्स की, इस रैट पॉइजनिंग के सिम्टम की, तो इसके सिम्टम्स गाइज आपको इमिडिएटली सडनली सीन नहीं होंगे बिल्कुल भी, ठीक है। आपको इसमें टाइम देखने को मिलेगा, जस्ट लाइक दैट 1 से 2 दिन भी आपके डॉग में सिम्टम्स आने स्टार्ट हो सकते हैं, और कम ज़्यादा से ज़्यादा बात करते हैं तो 3 से 7 दिन भी आपके डॉग ले सकता है सिम्टम्स को दिखाने में। तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ सिम्टम की, इसके अंदर सिम्टम्स में आपको ब्लीडिंग देखने को मिलती है। अब ये जो ब्लीडिंग है वो एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी हो सकती है और इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। अब इंटरनल का मतलब, जैसे हमारे कुछ ऑर्गन्स है वहाँ पे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, हमारे जो इंटेस्टाइनल वॉल्स है वहाँ से ब्लीडिंग आएगी, और साथ में जो हमारी ओवरऑल जो गट है वहाँ पे इन्फ्लामेशन या हम बोल सकते हैं कि ब्लीडिंग भी होगी। तो बेसिकली ब्लीडिंग की वजह से इन्फ्लामेशन हो सकती है वहाँ पे। और अगर मैं बात करता हूँ एक्सटर्नल ब्लीडिंग की, तो इसमें आपको नोज से भी ब्लीडिंग देखने को मिलेगी और माउथ से भी ब्लीडिंग देखने को मिलेगी आपके डॉग की बॉडी के अंदर। आपका डॉग जब यूरिनेट करेगा तो यूरिन के अंदर भी आपको ब्लड देखने को मिलेगा, जब पोटी करेगा तो पोटी का कलर आपको डार्क देखने को मिलेगा। अगर आपके डॉग को लूज मोशन हो गए हैं इस पॉइजन की वजह से, तो उस लूज मोशन के अंदर जो वो पोटी आएगी तो उसके अंदर आपको ब्लड भी देखने को मिलेगा, और साथ में गाइज इसके अंदर आपको बहुत सारे जो गम्स जो होते हैं ना वो पेल कलर नजर आएगा उनका, यानी बहुत ही धुंधला सा कलर नजर आएगा, बेसिकली एनीमिक भी हो सकता है इसके अंदर आपका डॉग। तो बेसिक सी बात है गाइज, इस डिजीज के अंदर, इस कंडीशन के अंदर अगर आपका डॉग खा ले इस पॉइजन को तो आपके डॉग में ब्लीडिंग होगी, वो ब्लीडिंग इंटरनल और एक्सटर्नल हो सकती है। लेकिन गाइस, आप जानना चाहते हो कि कोई भी ऐसा पॉइजन अगर आपका डॉग खा ले तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स नजर आते हैं, तो हमने एक स्पेशल एक वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। आपको मैंने वहां पे क्लियरली समझाया कि क्या क्या आपको सिम्टम्स नजर में आएंगे। अब गाइस, मैं बात कर लेता हूं इसके ट्रीटमेंट की, कि आपको क्या करना है। देखो गाइस, सबसे पहले तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके, आपको अपने नियर बाय वेट के पास अपने डॉग को लेके जाना है। और एक बात का और ध्यान देना, जब भी आप अपने वेट के पास लेके जा रहे हो, जो वो पॉइजन उसने खाया है, आपको डाउट है कि हाँ सर ये जो पॉइजन है हमारे डॉग ने खाया है, तो उसको साथ में आप कैरी कर लो, साथ में अपने वेटनरी डॉक्टर के पास ले जाओ और अच्छे से एग्जामिनेशन आपको अपने डॉग का करवाना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ डायग्नोसिस की, आपके वेटनरी डॉक्टर डायग्नोस करेंगे, यानी जो CBC कुछ रिपोर्ट्स होती हैं, जो ब्लड रिपोर्ट्स होगी, ब्लड टेस्ट होंगे, साथ में कुछ एक्सरेज वगैरह भी लिए जाएंगे, जो ऑर्गन्स के अंदर भी ये पता चलेगा कि कोई इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं है, तो उसे क्लियरली पता चल जाएगा कि हाँ ये पॉइजन की वजह से हुआ है। तो घबराने वाली बात आपको बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक पॉइंट ध्यान देना, आपको देरी बिल्कुल नहीं करनी है, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना जल्दी आपको अपने नियर बाय वेट के पास जरूर लेके जाना है अपने पेट को। और मेरे प्यारे दोस्तों, इसके अंदर अगर मैं आपको ट्रीटमेंट के बारे में बताता हूं, तो सबसे पहले वेटनरी डॉक्टर क्या करेंगे, आपके डॉग के अंदर वोमिटिंग को इंड्यूस करवाएंगे। इसका मतलब यह है कि ऐसा करवाएंगे कि आपका डॉग वोमिट कर दे। इससे क्या होगा, जो कंटेंट उसने खाया है हो सकता है वो उसी टाइम बाहर निकाल दे वोमिटिंग के थ्रू। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, सेकेंडली जो प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी वो आपके वेटनेरियन बड़े ही सुटीक एक तरीके से करेंगे। इसमें क्या होगा, जो एक्टिवेटेड चारकोल है उसको एडमिनिस्टर करवाया जाता है बॉडी के अंदर। इससे क्या होता है गाइस, एब्जॉर्प्शन रुक जाता है जो पॉइजन का।
तो बेसिकली सेकेंड प्रोसेस हो गई है। अब क्या होता है, एक बेस्ट एंटीटोड दिया जाता है जो कि बेसिकली विटामिन K1 जो रैट पॉइजनिंग के अंदर दिया जाता है। अब जो विटामिन K1 जो होता है ना, ये आप इंजेक्शन की फॉर्म में भी दे सकते हो, टैबलेट की फॉर्म में भी दे सकते हो। तो बेसिकली अगर हम इंजेक्शन की बात करते हैं तो वेटनरी डॉक्टर बहुत ही एक अच्छे सावधानी से ही इस इंजेक्शन को इंड्यूस करवाएंगे आपके डॉग की बॉडी के अंदर, और बेसिकली ये एक एंटीडोट का काम करेगा। अब जो विटामिन के होता है, ये क्लोटिंग फैक्टर का काम करता है। और अगर आपके डॉग ने रैट पॉइजनिंग हुई है आपके डॉग की बॉडी के अंदर, यानी रैट से बनी हुई वो जो दवाई उसने खा ली है, तो एंटीकोएगुलेंट होगा, तो उसको जमाने के लिए हमें विटामिन के देना पड़ेगा। तो हमें एंटीटोड विटामिन K1 डालना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, आपके डॉग की बॉडी के अंदर जो भी ब्लड जो सीक्रेट हुआ है उसका थक्का जम जाएगा, वो जम जाएगा, तो बेसिकली वो कोएगुलेट हो जाएगा, जो कि क्लोटिंग फैक्टर का एक काम करता है। और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, इसके अंदर पॉसिबल ये भी हो सकता है कि आपको अपने डॉग को ऑक्सीजन थेरेपी दिलवानी पड़े। साथ में ये भी हो सकता है कि कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई है, तो उस ब्लीडिंग को बाहर भी निकालना पड़ सकता है, यानी जो वो वेस्ट जो ब्लड है उसको बाहर भी निकालना पड़ सकता है। अब बाहर निकालेंगे तो डॉग की बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी, तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करवाना पड़ेगा, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन भी करवाना पड़ेगा। और ये जो सारी जो प्रोसेस जो होती है, ये कंप्लीटली मॉनिटरिंग होती है बाय योर वेट के। तो बेसिकली इसके अंदर कुछ आप जैसे मैंने बताया CBC वगैरह साथ में कंटिन्यू होती रहेगी, जो TLC होती हैं, जो प्लेटलेट्स काउंट होते हैं, वो कंप्लीटली चलते रहेंगे। अगर आप प्रॉपर टाइम रहते इलाज करवा लेते हो अपने डॉग का, तो आपका डॉग बच जाएगा। लेकिन अगर सीरियस सिचुएशन होगी है, क्रॉनिक सिचुएशन होगी है, सेवियर प्रॉब्लम होगी है, तो बचाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाएगा। तो गाइस, मैंने आज आपको रैट पॉइजनिंग के बारे में अवेयर किया है। तो जितने भी घर पर आप कोई भी ऐसी ड्रग यूज़ करते हो, भले ही वो रैट को मारने के लिए दवाइयाँ ही क्यों ना हो, या किसी भी इंसेक्ट को मारने के लिए जो आप ये फिनाइल वगैरह का यूज़ करते हो ना, जो ये बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, इनको ऐसी जगह पे रखो जहाँ आपके छोटे छोटे घर में अगर बच्चे हैं तो उनसे भी दूर रहे, और साथ में जो पपीज़ हैं, या अगर आपके पास एक डॉग ही क्यों ना हो, या आपके पास कोई भी एनिमल ही क्यों ना हो, तो उनकी रीच से दूर रखें, ठीक है। तो यही सावधानियाँ हमको बरतनी है। तो गाइस, आज मैंने आपको कुछ सिम्टम बताए हैं रेड पॉइजनिंग के, और साथ में प्रोसेस भी बताया है कि आपको क्या क्या करवाना है। और एक पॉइंट ध्यान देना, घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस, मैं आशा करूंगा आज की जो हमने वीडियो बनाई है आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी, आपको बहुत सारी नॉलेज यहां से गेन हुई होगी। तो गाइस, अगर आप अपने डॉग से प्यार करते हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर देना, और शेयर जरूर करना, अपने सभी फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर कीजिए हमारी इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।